नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया आपके साथ दूसरी बार, दूसरा एक वीडियो हिंदी में। मैं आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, आपने इसको कहाँ पर पढ़ा है और इसका एप्लीकेशन क्या है, तो मैं पहले बता देता हूँ आपको। मैं इस टॉपिक को मैं दो वीडियो में डालूंगा। पहले वीडियो में मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, जितना आपका आपका क्लास 11 का सिलेबस में है मैं उतना ही बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो डालूंगा जो कि थोड़ा एडवांस का है, मतलब उसमें हम शील्डिंग इफेक्ट के लिए जो सिग्मा होता है आप समझ जाएंगे, मैं जब डिस्कस करूँगा आप समझ जाएंगे। उसमें मैं शील्डिंग इफेक्ट को शील्डिंग कॉन्स्टेंट के वैल्यू सिग्मा को मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। स्लेटर्स रूल के हेल्प लेके मैं आपको ये कैलकुलेट करके दूंगा। तो मैं फर्स्ट जो आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या है, आपने इसको कहाँ पढ़ा है? आपने इसको पढ़ा है क्लास 11 का आपको जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वाला, जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा ये पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है ये वाला टॉपिक। पीरियोडिक टेबल में आपने इसको किस सब टॉपिक में पढ़ा है? पीरियोडिक टेबल चैप्टर के आपने आयोनाइजेशन एनर्जी जब आप पढ़ रहे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आपने तब इस टॉपिक को देखा होगा। आपने आयोनाइजेशन एनर्जी में, आयोनाइजेशन एनर्जी के अंडर में आपने देखा होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कब कब बढ़ता है, कब कब कम होता है, क्या क्या इफेक्ट है, आयोनाइजेशन एनर्जी फैक्टर्स इफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, इस सब टॉपिक के अंदर आपने इसको देखा होगा। वहां पर आपको बताया गया होगा कि अगर जो इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हो आयोनाइजेशन करने से, करने के मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आप जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, आप उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको मिनिमम जो एनर्जी देना पड़ता है उसी को आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हो। आप किसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हो? अगर किसी ऑर्बिट से किसी एटम्स का लास्ट जो ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बाउंड है, उस एटम का वो लूजली बाउंड वाला इलेक्ट्रॉन को आप अगर निकालना चाहते हो तो आपको एक एनर्जी देना पड़ता है। क्योंकि क्यों देना पड़ता है एनर्जी? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ खींच के रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से वो अपने तरफ उसको खींच के रखता है। तो आपको इस खिंचाव से भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो आपको सर्टेन एनर्जी देना पड़ता है जिस एनर्जी के तहत आपका ये इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर आ जाएगा, और इसी एनर्जी को आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हो। एंड इस आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, वो बहुत से सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये उनमें से एक फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, जब न्यूक्लियस, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस ये जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है वो पूरा फोर्स लगा के इसको पुल नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स है तो अंदर का भी कुछ ऑर्बिट्स होता है जहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, न्यूक्लियस को थोड़ा सा सील्ड कर देता है, स्क्रीन कर देता है, पर्दे की तरह काम करता है। एंड ये वाला न्यूक्लियस जो है वो अपना टोटल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर डाल नहीं सकता है, थोड़ा सा कम एनर्जी डालता है। सो जितना फोर्स न्यूक्लियस से ये इसको चाहिए ये उतना फोर्स नहीं मिलता है इसको। ये जितना डिजर्विंग कैंडिडेट है, जितना फोर्स न्यूक्लियस से डिजर्व करता है उतना फोर्स इसको नहीं मिलता है, थोड़ा सा कम मिलता है। क्यों कम मिलता है? क्योंकि ये जो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स है ये शील्ड कर देता है। क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को, मान लो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का अंदर की तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। मगर ये जो कोर इलेक्ट्रॉन है, अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, और ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करता है। सो रिपल्शन इस इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना चाहता है, और ये अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को अंदर लेना चाहता है। ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डिरेक्शन में काम करता है, एंड इसके वजह से
जो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लागू होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो थोड़ा कम हो जाता है और इसी को हम शील्डिंग कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक टर्म लिख के भी रखा है ऑलरेडी, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सपीरियंस द टोटल न्यूक्लियर फोर्स बट ए पोर्शन ऑफ इट। जितना इसको चाहिए होता है न्यूक्लियस से, जितना डिजर्व करता है अट्रैक्टिव फोर्स, उतना उसको नहीं मिलता है क्योंकि अंदरूनी जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कोर इलेक्ट्रॉन्स है, वो थोड़ा सा फोर्स को कम कर देता है, स्क्रीन कर देता है। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आपका आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाता है। अगर ये अंदरूनी इलेक्ट्रॉन जो है, जो कोर इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर अच्छी तरह से न्यूक्लियस को स्क्रीन कर देगा तो क्या होगा आपका, ये अगर अच्छी तरह से न्यूक्लियस को स्क्रीन कर देगा तो क्या होगा, इस बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जिसको आप निकालना चाहते हो उसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स कम हो जाएगा और आपको कम एनर्जी देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। तो अगर आपका कोर इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ जाएगा तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगा। अगर ये जो कोर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है इनका अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाएगा और आपको तब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो इफेक्ट है उनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट भी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रभाव विस्तार करता है, तो आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट इसीलिए जानना पड़ेगा। और हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कितना स्क्रीनिंग होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कोर वाला इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीन कर रहा है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको स्लेटर्स रूल जानना पड़ेगा जो कि हम दूसरे वीडियो में डालेंगे। फिलहाल तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। नेट अट्रैक्टिव फोर्स फेल्ट बाई आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको आप निकालना चाहते हो, ये न्यूक्लियस से टोटल फोर्स नहीं मिल पा रहा है इसको। ये कितना एक्सपेक्ट करता है, सपोज ये एक्सपेक्ट करता है जेड अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सपोज एक्सपेक्टिंग जेड अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, बट इट इज नॉट गेटिंग द टोटल फोर्स बिकॉज Some of the attractive forces were sealed by the core electrons. Core electrons ने कुछ amount, कुछ हद तक इस attractive force को घटा दिया है। कितना घटा है हमको ये amount मालूम नहीं है, हम पकड़ रहे हैं इसको consider करने की sigma amount shielding, ये वाला core electrons ने sigma amount of shielding डाल दिया। उसके बाद जो बचता है जिसका हम effective कहते हैं वो जाके इसको मिल रहा है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये कितना फोर्स मिल रहा है इसको, टोटल जो जेड है अट्रैक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जेड है वो टोटल नहीं मिल रहा है आफ्टर सील्डिंग। ये कुछ अमाउंट यहाँ पर सील्ड हो रहा है, हम उसको कंसीडर करते हैं सिग्मा अमाउंट कंसीडर करते हैं। आफ्टर द सिग्मा अमाउंट सील्डिंग द रिमेनिंग अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड द जेड इफेक्टिव, इसको आप जेड स्टार भी कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, द नेट अट्रैक्टिव फोर्स फेल्ट बाय आउटर इलेक्ट्रॉन, जितना इसको मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है, जितना मिल रहा है 80% मिल रहा है या 20% मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये है टोटल न्यूक्लियर चार्ज। टोटल न्यूक्लियर चार्ज कुछ अमाउंट आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये सील्ड हो रहा है, कोर इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड कर रहा है। इतना शील्डिंग के बाद जो बचा हुआ रहेगा वही आपको आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए मिलेगा, इसी को हम कहते हैं जेड स्टार और जेड इफेक्टिव। इसको हम कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लेटर्स रूल। और मैं आपको बोलूँगा इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा स्लेटर्स रूल वाला, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि नीट एंड जेई में स्लेटर्स रूल से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है और आपको वो वाला न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि S ऑर्बिटल जो है वो आपको पता है कि स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। तो आप बताइए
अगर एस ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, कोर वाला जो यहाँ पर अगर आपका न्यूक्लियस है और अगर कोर में आपका एस ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, आपका ये वाला आउटर इलेक्ट्रॉन है और अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन से वो अगर एस सब सेल में प्रेजेंट रहेगा तो एस का तो स्फेरिकल शेप है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या करता है, न्यूक्लियस को शील्ड कर सकता है। उसके बाद आता है पी, पी का जो पी डंबल वाला शेप होता है, पी थोड़ा सा कम अमाउंट में आपको न्यूक्लियस को सील्ड करता है, थोड़ा कम इफेक्टिव स्क्रीनिंग करता है। सबसे बढ़िया तरीके से स्क्रीन कौन करता है, एस जो ऑर्बिटल सब ऑर्बिट्स होता है वो न्यूक्लियस को बहुत ही बढ़िया तरीके से सील्ड कर देता है, स्क्रीन कर देता है, क्योंकि इसका स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज क्लाउड है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीन कर देता है। अगर आप जो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो उसके पहले वाला ऑर्बिट्स में कोई एस इलेक्ट्रॉन्स अगर रह गया तो वो न्यूक्लियस को बहुत ही बढ़िया तरीके से सील्ड कर देगा। और स्क्रीन ऐसी बढ़िया तरीके से सील्ड करने के लिए क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी वेरी लेस एंड आपको कम आयोनाइजेशन एनर्जी डालना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया, एस से कम थोड़ा इफेक्टिव होता है पी, और पी से भी कम डी होता है, और उससे भी कम एफ होता है। अगर ये अंदर का इलेक्ट्रॉन एफ और डी है, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये अच्छी तरीके से स्क्रीन नहीं कर पाएगा। और डी और एफ का प्रेजेंट अंदर प्रेजेंट रहने से क्या होता है, इस आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो सील्ड कर रहा है न्यूक्लियर फोर्स को, जो सील्ड कर रहा है वो डी और एफ में प्रेजेंट है, और डी और एफ क्या है, पुअर शील्डर है और अच्छी तरीके से सील्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या होता है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा। तो मैं जो यहाँ पर समराइज करना चाहता हूँ ये है कि आप जिस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं उसके पहले वाला ऑर्बिट में अगर कोई एस और पी वाला ऑर्बिट सब ऑर्बिट प्रेजेंट है, या इलेक्ट्रॉन एस और पी में प्रेजेंट है, इन दैट केस आपको कम आयनाइजेशन एनर्जी डालना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि एस और पी बढ़िया तरीके से न्यूक्लियस को सील्ड कर देता है। और अगर जिस इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हैं उसके आगे वाला जो ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट है, वहाँ पर डी और एफ है, तो ये पुअर शील्डर है, ये न्यूक्लियस को सील्ड नहीं कर पाता है अच्छे तरीके से, तब जाके न्यूक्लियस का फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका यह इलेक्ट्रॉन बहुत ही डिफ़िकल्टी से निकलेगा, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला आपको बता दिया, और दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे स्लेटर्स रूल से स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करता है। फिलहाल तो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।